हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ मंत्रास। गाइस, बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके, तो मेरे वीडियो के ज़रिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि ईवीज जो है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आम जनता तक मैं पहुँचा सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, तो वैसे ही आज इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ गाइस। तो एक सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार किया है, मेरे जितने भी सारे अभी तक के वीडियोज़ है उन वीडियो में बार बार ये सवाल दोहराया जा रहा था, जिसका आंसर मैंने पहले भी दिया है, बट फिर भी ये वीडियो मैंने खास उन सवालों के लिए, उन जवाबों के लिए किया है कि आम आदमी तक ये पहुंचा जाए कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने पार्किंग में ऊंची जब बिल्डिंग होती है तो चार्ज करना कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा गाइज। मैंने रिसेंटली मेरा घर शिफ्ट किया हुआ है, जो पहली सोसाइटी में रहता था वहाँ पे हमारे सोसाइटी की तरफ से इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बने हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट का ही नॉर्म्स है ईवी चार्जिंग पॉइंट्स 30% पार्किंग अलोकेट करके देना है, बट ये पुरानी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट नहीं था। जो मैंने खुद बना के लिया है वो कैसे बनाया है, कहाँ पे बनाया है, कितना आसान तरीका था बनाने का, कितना खर्चा आया, इन सारे सवालों के जवाब जो है बहुत ही आसान है। इस वीडियो में आपके सामने ये सारे जवाब मैं लेके आया हूँ। तो गाइज, आप ये देख रहे हो मेरे जो पहले वाली सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहता था जब मैंने बजाज ली थी, तो वहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट बना हुआ था, इसलिए मैंने बजाज का भी जो चार्जिंग स्टेशन है वो लिया नहीं, खरीदा नहीं, क्योंकि उसका कॉस्ट 10,000 था। तो ये बने हुए के कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो जब मैं शिफ्ट हो गया रिसेंटली, वहाँ शिफ्टिंग में मैंने नोट किया कि पार्किंग में कहीं पर भी चार्जिंग पॉइंट बना हुआ नहीं है, तो मैंने तुरंत ही दूसरे दिन मेरे यहाँ चार्जिंग पॉइंट पे काम करना चालू किया। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि चार्जिंग पॉइंट कैसे बना है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, बजाज मेरी खड़ी है चेतक, और आप अगर ऊपर नोट करोगे तो आप ये देख रहे हो, ये जो सॉकेट है, चार्जिंग पॉइंट है, ये मैंने खुद बना के लिया है गाइस। तो इसके थ्रू मैं मेरा गाड़ी चार्ज करता हूँ। तो आप ये मेरा चार्जर देख सकते हो चेतक का, अभी मैं यहाँ पे लगा के स्विच ऑन करता हूँ तो ये चालू हो गया है, लाइट जल गया है चार्जिंग का, और अभी यहाँ पे चेतक भी चार्ज होना चालू हो चुकी है। तो ये जो चार्जिंग पॉइंट आपने देखा, मैंने कुछ ये बजाज से नहीं खरीदा है, ना ही इसके लिए कुछ बहुत बड़ी एक्सपर्टीज लगी। मैंने इस चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए लोकल एरिया का मेरा इलेक्ट्रिशियन ढूंढा, और उस इलेक्ट्रिशियन को बुला के मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो मेन जो होता है गाइज, मेन ये है कि 16 एम्पियर का सॉकेट, जो आप सॉकेट देख रहे हो दैट इज 16 एम्पियर का सॉकेट है, वो सॉकेट मैंने बताया कि उसको मुझे 16 एम्पियर का सॉकेट यहाँ पे चाहिए। तो ये सॉकेट डायरेक्ट मेरे इलेक्ट्रिक मीटर से कनेक्ट किया गया है, कैसे किया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो ये मेरा 16 एम्पियर का सॉकेट है जिसमें मेरा बजाज चेतक चार्ज होता है। मैंने इसका हाइट जानबूझ के ऊपर रखा है, आप अगर नोट करोगे तो चेतक का हाइट नीचे है और सॉकेट का हाइट ऊपर है, तो पार्किंग में कोई बच्चे वगैरह उसको छेड़छाड़ ना करे, इसलिए उसका हाइट जानबूझ के ऊपर रखा हुआ है गाइस। अभी आप नोट करोगे तो वो पाइप जो जा रहा है काला, वो पाइप में के अंदर से कनेक्शन लिया गया है, ये पूरा पाइप आप देख रहे हो पार्किंग में अच्छे से प्रॉपरली प्रोफेशनली फिटिंग किया हुआ है। ये पाइप यहाँ से पूरा यहाँ पे जा रहा है, वो केबल ट्रे बोलते हैं इसको, ये केबल ट्रे से मेरा पाइप, ये ब्लैक वाला जो नया दिख रहा है, वो पाइप यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है गाइज, इसके ऊपर ये बेसमेंट फ्लोर है और इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा मीटर रूम बना हुआ है, तो मैं आपको मीटर रूम भी दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो गाइज, हम लोग नीचे थे वहाँ पे, तो ये जो काला पाइप नया है ये नीचे से ऊपर आया है और यहाँ से ये अंदर उधर गया हुआ है जहाँ पे हमारा मीटर रूम है। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा मीटर रूम है, और इसी मीटर रूम में जैसा हमने देखा कि वहाँ से कनेक्शन आया हुआ है ये एरिया से, जो काला पाइप है ये वाला नया काला पाइप, और ये सीधा जाके मेरे मीटर में कनेक्ट हो गया है। दैट मीन्स कि बिल इसका जो आएगा वो सिर्फ मुझे ही आएगा, किसी और को नहीं आएगा, सोसाइटी के कॉमन एरिया को नहीं आएगा, किसी को इसकी दिक्कत नहीं होगी।
तो गाइस आपने देखा पूरा कि मैंने कैसा पाइप यहाँ से मेरे बेसमेंट से लेके ग्राउंड फ्लोर तक मेरे डायरेक्ट मीटर को कनेक्शन दिया गया है। तो बहुत ही आसान काम था गाइस, सिर्फ मुझे ये करना था कि जो लोकल इलेक्ट्रिशियन बंदा है उसको बुला के मुझे क्या चाहिए वो समझाने का था। उसको एक बार समझ में आने के बाद उसने मुझे मटेरियल बोला, हम दोनों साथ में जाके पूरा मटेरियल लेके आए। तो मुझे तकरीबन कुछ 20 मीटर का केबल लगा हुआ है और 20 मीटर 20 से 25 मीटर का वो पाइप लगा हुआ है। तो वो केबल एंड पाइप इज मेन एंड दिस 16 एम्पेयर का एक सॉकेट जो है जो कि अच्छा होना चाहिए। ये तीन ही चीज़ें मेन है, मुख्य है। तो ये तीन चीज़ें हम एक बार लाने के बाद उसने ये पूरा अच्छे से बना के दिया, मैंने टेस्टिंग कर लिया और मेरी गाड़ी तब से चार्ज होना चालू हो चुकी है गाइस। और मेरा जो चेतक चार्जिंग का बिल है वो डायरेक्ट अभी मुझे आएगा, किसी को भी इसकी कोई तकलीफ नहीं है। मैंने सोसाइटी से परमिशन ले ली थी, मैं सोसाइटी मैनेजर से, तो उसने भी परमिशन दे दी क्योंकि कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं, किसी को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा पार्किंग में है, मेरे मीटर से आ रहा है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन लेने का ये है ही नहीं। इसमें खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आया है, टोटल मैं बताऊँगा तो तकरीबन 2500 का मुझे मटेरियल लगा है और 1000 जो है मैंने इलेक्ट्रिशियन को दे दी है। मतलब टोटल 3500 रुपये में मेरा ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बन चुका है गाइस। ऐसा ही सेम चार्जिंग पॉइंट हम कार के लिए भी बना सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए भी बना सकते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं वो बेच रही है, जैसे बजाज बेच रहा है 10000 रुपये में वो चार्जिंग स्टेशन बेचता है। एथर का मुझे पता नहीं और बाकियों का भी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तो क्यों उतना पैसा वेस्ट करें अगर अपने पास ये ऑप्शन है तो, और इससे भी अच्छे से चार्ज होता है, इससे भी कुछ तकलीफ नहीं आती है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोगों को दिमाग में सवाल था कि ऊंची बिल्डिंग है, सोसाइटी है, 10-15 माले की बिल्डिंग है, 4-5 बिल्डिंग वाली सोसाइटी है जहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे कैसे करें सर? क्या एक ने तो मुझे एक बंदे ने मेरे व्यूअर ने पूछा था, सब्सक्राइबर ने, कि सर मैं 10वें माले पे रहता हूँ, क्या मुझे 10वें माले से एक्सटेंशन केबल ला के चार्जिंग मेरा बजाज चेतक रोज करके वापस वो केबल खींच के रखना पड़ेगा क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ जानना है कि आपकी पार्किंग कौन सी, आइडेंटिफाई करनी है आपकी डेडिकेटेड पार्किंग, वहीं पे आपको रोज करनी है पार्क, और वहाँ पे एक लोकल इलेक्ट्रिशियन को ला के समझाना है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए और वो अच्छे से बना के देगा। उसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में तो पहली बार, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट उनके दिमाग में कुछ ऐसा बड़ा आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो हम पॉइंट घर में यूज़ करते हैं, जो मिक्सर के लिए यूज़ होता है, जो हीटर के लिए यूज़ होता है, जो एसी के लिए पॉइंट यूज़ होता है, वही पॉइंट हमें यहाँ पे बनाना है। तो इलेक्ट्रिशियन को वो पता होता है कि उस पॉइंट के लिए कितने एम्पेयर का सॉकेट चाहिए, किस प्रकार का केबल चाहिए, 3-phase, 2-phase, 3-core, 2-core, वो सारी चीज़ें उसको पता होती है। सिर्फ हमें उसको समझाना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए भैया बना के दो, तो वो बना के देगा और बहुत अच्छे से सस्ते में आपका ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। आप देख सकते हो फिक्सिंग आपने देखा है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, इसमें कोई जहां मैं 10 साल भी यहां पे रहूं तो 10 साल मेरा ये चार्जिंग पॉइंट चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाइस जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि कैसा मैंने इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट मेरे पार्किंग में बनाया है, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और मेरे मीटर से ही मैंने कनेक्शन लेके मेरा चार्जिंग पॉइंट बनाया जहाँ पे मेरी चेतक हमेशा भी चार्ज होती रहेगी, पिछले 2 महीने से चार्ज वहाँ पे ही हो रही है। तो गाइस मैंने मेरे मीटर से लिया क्योंकि सोसाइटी वालों को या कॉमन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है सोसाइटी में उसमें यूज़ नहीं होगा, तो मेरा जो बिल है मुझे ही आएगा, किसी और को दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ की। तो आपने देखा गाइस कि पूरा वीडियो कितना आसान था, कितना इजी और कितना इकोनॉमिकल है इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाना, कंपेयर टू जो हम चार्जिंग स्टेशन आता है बजाज के साथ, मुझे 10000 रुपये मांगा गया था उस चार्जिंग स्टेशन का, चार्जिंग बॉक्स का, जो कि मैंने डिसाइड कर लिया था तभी ऑलमोस्ट 10 महीना पहले कि मुझे नहीं लेना है, जहाँ कहीं मैं जाऊँगा मैं मेरा खुद का चार्जिंग पॉइंट बना के लूंगा। तो गाइस ऊंची बिल्डिंग में, लंबी सोसाइटीज़ में, 4-5 बिल्डिंग वाली सोसाइटीज़ में जहाँ पे आपकी ऐसी पार्किंग है वहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट आसानी से बना सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पूरी पार्किंग बनी हुई है, तो किसी की भी ऐसी पार्किंग है कि गाड़ी इस पार्किंग में आपको पार्क करनी है तो कोई, तो जैसा कि आपने देखा कहीं पे भी किसी भी पार्किंग में जिसका अगर इंडिविजुअल बंगलो हो वो तो बहुत ही आसान है, और ऐसी सोसाइटीज में जहाँ पे पार्किंग है, मल्टी पार्किंग है, मल्टी स्टोरी पार्किंग है, बेसमेंट है, कहीं पे भी आप ये इलेक्ट्रिक पॉइंट बना सकते हो अपने मीटर से कनेक्शन लेके। आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कैसे करना है, तो आपको ये अभी आज मालूम हो गया मेरे वीडियो से कि कैसे करना है, कितना आसान है,
कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा काम नहीं और बहुत इकोनॉमिकल, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। विलेज हो, बड़ी शहर हो, बड़ी सोसाइटी हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी निकाल के लेके जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, वैसे ही आप ईवी भी चार्ज कर सकते हो, उतना ही आसान है चार्ज करना। तो गाइज आपने देखा पूरे वीडियो में, अभी यहाँ पे एक सेफ्टी और मिसयूज का एक बहुत बड़ा कंसर्न आएगा, आपको भी सवाल आएगा, तो उसका मैं जवाब अभी आपको दे देता हूँ कि आपने जो पॉइंट देखा है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट जो मैंने बनाया है, उसको मैं एक बॉक्स लगा के, ऐसा वाला बॉक्स जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ये वाला बॉक्स लगा के मैं सिक्योर करने वाला हूँ, जिसको मैं लॉक लगा सकता हूँ। तो इसको कोई वॉचमैन या दूसरे कोई ये लोग मिसयूज नहीं कर पाएंगे, इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बॉक्स अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे नहीं मिला, लॉकडाउन खुलने के बाद मैं पूरा बॉक्स ला के अच्छे से बिठाने वाला हूँ, तो मेरा जो पॉइंट है वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। ऐसा आप भी कर सकते हो और बहुत ही इकोनॉमिकल है। जैसा मैंने कहा कि बजाज चेतक का जो बॉक्स था, या एथर है या हीरो है, बाकी का मुझे चार्जिंग का पता नहीं है, बट बजाज चेतक का जो बॉक्स है, चार्जिंग बॉक्स जो इस वीडियो में अभी आपको दिखता है, तो ऐसा बॉक्स जो है इसकी कॉस्ट 10,000 रुपये का है, और मैंने जो चार्जिंग पॉइंट बनाया है इसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये में मेरा ये चार्जिंग पॉइंट बन चुका है। इसका कॉस्ट ऊपर नीचे जाएगा डिपेंडिंग ऑन द केबल, जितना आपको लंबा लगता है, क्योंकि अगर आपका पॉइंट मीटर से नज़दीक है चार्जिंग का एरिया, तो वहाँ पे आपको कम कॉस्ट लगेगा। अगर आपका ज़्यादा लंबा है, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो आपका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता जाएगा, बट बाकी तो लमसम मोटा छोटा कॉस्ट वैसा ही आएगा, 1,500 से 2,000, 2,500 के आसपास। 10,000 के कंपेरिजन में ये बहुत ही कम है गाइस। तो आप बेझिझक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए, जिसके साथ वो बॉक्स आता है। कंपनी अगर सेल कर रही है 10-15 हज़ार में, तो बिल्कुल ना ले, अपना ऐसा चार्जिंग पॉइंट बना के लीजिए, यही मैं आपको रेकमेंड करूंगा गाइस। तो मेरा यही कोशिश होती है गाइस कि हर वीडियो में जो आम आदमी है, जो आम जनता है, जो मेरी तरह है, उनके जो डाउट्स है, जो सवाल है, क्वेश्चंस है दिमाग में, वो सारे मैं कम करूँ, वो सारे जो शंकाएं है उसको मैं मिटा दूं। तो अगर आपको अभी भी कुछ सवाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट के बारे में और चार्जिंग के बारे में, तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए गाइस, मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा। मुझे अच्छा लगता है ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए। गाइस आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को बहुत सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ईवी लवर्स के साथ शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अवेयरनेस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है। फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही आगे बहुत यूज होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही और इससे ही बेहतर रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले वीडियोज के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर लाइफ।